नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबर से। दानिश से फोन करा रही हूं। यार हम दानिश से कहां फोन करा रहे हैं? हाँ। ये चले जाओ यार, आदिल क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो, चले जाओ। कहीं नहीं जाएंगे मुस्कान, अब तुम मुझसे ये भी कह दो कि मैं वापस आ जाऊंगी ना, तब भी मैं नहीं लौटूंगा। तुम्हीं ने सब कुछ खत्म किया है, मेरे साथ मेरा फोन भी जाएगा इसे पानी में। बस 15-20 जिंदगी भर घुसना, जो भी मन हो अफसोस तो बर्दाश्त तो कर ही लोगी, क्योंकि जब कल परसों जो भी था जब तक बर्दाश्त कर ली थी, फोन स्विच ऑफ कर ली थी, तो अब तो बर्दाश्त कर ही लोगी। अब मुझे जरूरत भी नहीं है तुम्हारी, क्योंकि तुमने इतना मुझे मार दिया है ना, अब मुझे तुम्हारी जरूरत भी नहीं है। तुमने सिर्फ मेरी मुंह को समझा, मेरे दिल के नहीं, कि मैं तुम्हारे लिए मर भी जाता। ये देखो, लीज लीज कुछ नहीं, अब जियो जियो मेरे मौत के साथ, जियो मुस्कान मेरी मौत के साथ। I love you always, I love you। सुल्तानपुर में प्रेमिका से फोन पर आई लव यू बोलकर नदी में लगाई छलांग, 48 घंटे के बाद भी नहीं मिला युवक का शव। उत्तर प्रदेश के जिले सुल्तानपुर में एक युवक ने गोमती नदी में कूद कर आत्महत्या कर ली। इस घटना के बाद से पुलिस समेत SDRF की टीम शव को तलाशने में जुटी हुई है। ऐसा बताया जा रहा है कि युवक की मौत के पीछे प्रेम प्रसंग की आशंका जताई जा रही है। परिजन का रो रो कर बुरा हाल है। इतना ही नहीं, उसकी मौत से ठीक पहले का एक ऑडियो भी सामने आया है, जिसमें उसने अपनी प्रेमिका से कुछ बातें बोली और उसके बाद नदी में छलांग लगा दी। 48 घंटे के बाद भी नहीं मिला युवक का शव। जानकारी के अनुसार यह मामला शहर के कोतवाली नगर के नया नगर सिरवारा रोड का है। यहां के निवासी मोहम्मद हशमत के बेटे आदिल की गोमती नदी में कूदने के बाद डूब जाने से मौत हो गई है। मृतक युवक के पिता हशमत दीवानी के एक रिटायर्ड कर्मी हैं। युवक आदिल की मौत के पीछे यह वजह सामने आ रही है कि वह अपनी प्रेमिका से किसी बात को लेकर अनबन हो गई है। इसके बाद युवक गोमती नदी के पुराने पुल पर जाकर छलांग लगा दिए। करीब 48 घंटे का समय बीत गया, लेकिन अभी तक युवक के शव का पता नहीं चल सका है। भाई ने दर्ज कराई युवक की गुमशुदगी की रिपोर्ट। युवक के शव की तलाश के लिए SDRF की टीम सर्च ऑपरेशन चला रही है। वहीं मृतक आदिल के भाई मोहम्मद आरिफ ने कोतवाली नगर में तहरीर देकर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। आदिल के भाई के अनुसार भाई के पास लड़की का कॉल आया था और वह आत्महत्या जैसी बात कर रहा था। इतना ही नहीं, आदिल की मौत से ठीक पहले का एक ऑडियो भी सामने आया है, जिसमें वो कह रहा है कि जियो तुम मेरी मौत के साथ। उसके बाद उसने आई लव यू कहा और फिर छलांग लगा दी। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई शुरू कर दी है। दूसरी ओर शव को बरामद करने के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। राज्य में ऐसे मामले पहले भी आ चुके हैं कि प्रेमिका और प्रेमी से अनबन होने से युवक व युवती अपनी जिंदगी को समाप्त कर लेते हैं। तानपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। आपका नाम क्या है? मोहम्मद आमिर। आप आदिल के बड़े भाई हो? जी। आपने कल प्रशासन से SDRF टीम की मांग की थी कि जिससे आपकी आपके भाई की खोज की जा सके, तो SDRF की टीम कितने बजे आई थी यहाँ पर? SDRF की टीम यहाँ पे लगभग 8:15 तक आ गई थी। फिर सेटअप वगैरह करने में थोड़ा टाइम लगा जी। फिर यहाँ से हम लोग जो है 8:50 से 8:55 के आसपास जो है हम लोग यहाँ से निकले। कौन कौन गए थे साथ में? साथ में वो विनय गुप्ता सर थे, SI सर जी, और ये इनकी टीम थी, रेस्क्यू टीम थी। चार मेंबर वो थे, बाकी मैं उनके साथ सुबह मैं गया था उनके साथ। और कुमचुम करके जो है कुछ मुझ जो गाँव था वहाँ पे जो है वहाँ तक हम लोग गए थे, उसके थोड़ा सा आगे तक गए सुबह। हाँ सुबह लगभग यहाँ से 13-14 किलोमीटर जो भी। हाँ फर्स्ट अटेम्प्ट में उतना गया वहाँ पे। फिर उसके बाद हम लोगों ने वापस आ गए, हम लोग लगभग जो है 12:30 बजे वापस आ गए। 12:30-1 बजे तक आप? हाँ 12:30-1 बजे तक। उसके बाद दोबारा कितने बजे स्टार्ट किया?
दोबारा स्टार्ट हुआ है साढ़े तीन या पौने चार तक ऐसे स्टार्ट हुआ है। तो उसके बाद पहले क्या किया, पहले थंडरिंग की या क्या किया? पहले यहाँ पे राउंड कर रहे थे इधर। अच्छा, वहाँ जहाँ पे ब्रिज है? हाँ, ब्रिज के नीचे थोड़ा काफी देर तक वहाँ किया, हाँ थंडरिंग कर रहे थे। उसके बाद जो है यहाँ से फिर वापस फिर से निकले, फिर यहाँ से फिर आगे तक निकले जहाँ तक गए थे कुछ मुझ गांव तक, उसके आगे तक जो है जी 3-4 किलोमीटर और आगे तक गए थे। कितने बजे तक थंडरिंग चली, मतलब ये रेस्क्यू ऑपरेशन चला? अभी आई थिंक अभी 2-4-5 मिनट हुआ होगा बंद किए। हाँ अभी बंद हो रहा है, मतलब 8 बजे तक, रात में आठ बजे तक हुआ। तो क्या कहीं कुछ सिनाख या कुछ मिला? नहीं, कुछ मिला नहीं। तो कल फिर सुबह कल स्टार्ट होगा? हाँ, कल सुबह से बोला है सर ने कि जो है कल सुबह फिर से स्टार्ट करेंगे। टाइमिंग क्या है कल की? टाइमिंग सुबह की लगभग 7 बजे के आसपास बोला है। हाँ जी। तो दोस्तों, देखा आपने, ये हमारे साथ आदिल के बड़े भाई हैं, जिन्होंने बताया कि इन्होंने कल प्रशासन से SDRF की टीम की मांग की थी जो कि इनके भाई को, भाई की बॉडी खोजने में मदद करे। SDRF टीम लमसम 7:30 या 8 बजे तक यहाँ पे आ गई थी। उनको अपना सेटअप लगाते लगाते लमसम 9 बज गए। फिर वो थंडरिंग के लिए और रेस्क्यू के लिए गोमती नदी में उतरे, जिसमें साथ में SI विकास गुप्ता, SDRF की टीम के मेंबर और साथ में आदिल के बड़े भाई आमिर थे। लमसम 1:30 बजे तक वो अपना रेस्क्यू ऑपरेशन किए, फिर लंच ब्रेक किए, फिर उसके बाद लमसम 4 बजे स्टार्ट किए, जिसमें पहले जब कुशमुझ तक गए थे उसके बाद उसके आगे गए। जैसा कि हमने बात की थी सर से, सर ने बताया था कि लमसम आज जो ऑपरेशन चलाया गया है ये 60-70 किलोमीटर का चलाया गया है। मैं फिर कल हाजिर हूँगा आपको, आपके साथ इस घटना से जुड़े जो नए अपडेट होगी उसके लिए। तब तक जय हिंद। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए RPS समाचार।